देखिए, ये इंटरव्यू बहुत पुराना है, मुझे याद भी नहीं है कि ये 6 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, 8 साल पुराना है, कितना पुराना है। एक टीवी चैनल ने प्रधानमंत्री के नाम से एक सीरियल बनाया था, और देश में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको उन्होंने कवर किया था। तो राजीव जी के ज़माने में शाहबानों को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू किया। तकरीबन एक एपिसोड में मेरा इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने देखा नहीं, अभी आज नहीं देखा, मगर मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको इस्तीफ़ा वापस लेने के लिए नहीं कहा गया। मैंने क्या कहा गया, मैं तो उस दिन जिस दिन इस्तीफ़ा दिया मैं घर से गायब हो गया, कोई मुझे कॉन्टेक्ट नहीं कर, चूँकि उस जमाने में सेल फोन भी नहीं था। अगले दिन सुबह जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो श्री अरुण सिंह जो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, सबसे पहले वो मुझे मिले और वो मुझे प्रधानमंत्री का जो वेटिंग रूम है उसमें ले गए, और उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की और बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। मैं इनफैक्ट आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, मुझे बहुत आदर है उनके लिए। एक उन्होंने मुझसे कहा कि मॉरली नैतिक आधार पर कोई तुम्हारी गलती नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर इसको इस पर गौर कर लो कि वापस ले लो अपना इस्तीफ़ा। मैंने जब मना कर दिया तो उसके बाद अरुण नेहरू जी, उसके बाद फोतेदार जी, उसके बाद मेरे पुराने 3 सीनियर मिनिस्टर जिनके अंडर में मैंने काम किया था वो आए, और सबसे आखिर में मैं लगभग पूरे दिन लगभग प्राइम मिनिस्टर के वेटिंग रूम में, जहाँ ये सब लोग एक एक करके आते थे और मुझे समझाने की कोशिश करते थे, सबसे आखिर में नरसिम्हा राव जी आए। नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा कि भाई तुम इतना ज़िद क्यों कर रहे हो, शाहबानों ने भी अपना स्टेंस बदल लिया, वो गलत सही कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। जब मौलवियों ने दबाव डाला शाहबानों के ऊपर तो उसने अपना बयान बदल दिया था, कहा मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है ये नहीं चाहिए, तो उसने भी अपना बयान बदल दिया, तुम्हें क्या परेशानी है। और हम कोई सोशल रिफॉर्मर थोड़ी हैं मुसलमानों के, अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। तो मैंने कहा साहब मैं फेमिनिस्ट के तौर पे मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है कि मैंने महिला अधिकारों की बड़ी लड़ाई लड़ी हो, मेरे सामने पर्सनल इंटेग्रिटी का सवाल है, मेरी अपनी नैतिकता क्या है। मैंने 55 मिनट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफेंड किया है लोकसभा में, अब सरकार कह रही है कि इस फैसले को बदलने के लिए हम कानून ला रहे हैं। तो मैंने कहा मैं अकबर का बीरबल नहीं हूँ कि एक दिन उसने कहा बैंगन बहुत अच्छी सब्ज़ी है तो बीरबल ने 100 उसके गुण बता दिए, और जब अकबर ने कहा कि बैंगन बहुत ख़राब सब्ज़ी है तो उसने 100 दुर्गुण बता दिए। मैं कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। तो ये बात मैंने आज नहीं कही, ना इंटरव्यू में ना किसी आर्टिकल में, ये तो 7 या 8 साल पहले की बात है। और चूँकि वो बहुत लंबा इंटरव्यू था, पूरा एक एपिसोड था, तो उन्होंने हर तरह के सवाल पूछे, मैंने ये बता दिया। सब्सक्राइब करें ABP गंगा।